अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जनाब साकिब नईम। और शोरूम का नाम बताएंगे? शोरूम का नाम है उस्मान इंटरप्राइजेस। ये अपना आपके शेखुपुरा रोड के ऊपर 9 किलोमीटर यहाँ पे लाहौर में मौजूद है, मिलत फैक्ट्री के बिल्कुल सामने। मिलत का ये मेन डीलरशिप भी है। सर, ये 135 ट्रैक्टर जो है, ये किस काम के लिए आपने तैयार किया? जनाब ये शौकीन लोगों का आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है। ये 1970-73 का मॉडल है। इसको हमने सारे को दोबारा से रिफैब्रिश किया है। इसका इंजन जो है वो सारा ओवरहॉल किया है। इसकी तमाम आप जो तो नया जैसा लग रहा है मटेरियल है, इसको बिल्कुल अपना रिपेयर करके और इसकी इसको जिसे कहते ना रिवाइटलाइज किया, इसे बिल्कुल दोबारा से तैयार किया। कितने एचपी का? ये जी बेसिकली अपना 50 हॉर्स पावर का इंजन है। और यानी ये ट्रैक्टर बड़ा मजबूत, ये शुरू के जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक अपना बना हुआ है। इसकी जो क्वालिटी उस जमाने में ट्रैक्टर की थी, आज नए ट्रैक्टर के साथ भी आपको ये सर्विस नहीं मिलती। ये बड़ा खूबसूरत मशीन है। और जिस तरीके से लोग अपनी विंटेज गाड़ियां होते हैं, ये उसी तरीके से हमने एक विंटेज ट्रैक्टर को रिपेयर किया है। तो ये ज़्यादा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? यार ये बेसिकली आप छोटा रकबा जो है उसकी काश्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बागों में जो है मैनेजमेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये आप ट्रॉलियाँ श्रॉलियाँ मिलों के अंदर आप इसको सामान छोटा मोटा जो तरसील का है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके प्राइस बता दें यार। इसकी इसको हमें दोबारा सारा कुछ बनाने के अंदर इसकी को प्राइस आई है 9,25,000। हाँ जी, ये बेसिकली अब ये बड़ी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल भी नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में आपको मुश्किल से 40-50 पीस जो हैं वो मिलेंगे। ये आपने संभाला इसको? हाँ जी, ये उसके लिए है। ये रेगुलर उसके अंदर आपकी रूटीन में नहीं आ सकता। इसकी डिपेंड करता है अपना अवेलेबिलिटी के ऊपर उस वक्त। यानी छोटे काम के लिए इसका तो खर्चा बहुत कम है और छोटे काम के लिए मौजूद है। ज़्यादातर जो केले वगैरह निकालने के लिए बड़े ट्रैक्टर के टायर जो होते हैं वो उसको खराब करते हैं। हाँ, वो ये अपना उनके लिए जो है आइडियल है।